खबर रीवा से है, जहां शहर में धोबिया टंकी के समीप बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत 872.76 लाख रुपए की लागत से 250 सीटर कन्या छात्रावास एवं 188.27 लाख रुपए की लागत से 60 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास के नव निर्मित भवन का लोकार्पण गुरुवार को भव्यता पूर्वक किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, आज अनुसूचित जाति की बेटियों के लिए यह छात्रावास बनकर तैयार हो गया है। भाजपा सरकार ने हमेशा से प्राथमिकता दी है कि ज्यादा से ज्यादा छात्रावास बनाए जाएं, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को अध्ययन में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय सांसद महोदय अपन द्वारा स्वागत करने का कष्ट करें। ये लोकेशन में ऐसा था कि उस समय कलेक्टर इलैया राजा जी थे, तो अब ये हॉस्टल तो बनने लगा, लेकिन अप्रोच नहीं थी। इधर प्राइवेट लैंड में अप्रोच रोड बनाने लगे तो उन लोगों ने रोक दिया। तो हमें कहा कि ये छात्रावास के लिए का छात्रावास, वो भी बेटियों का छात्रावास, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो दूर दराज गाँवों से आते हैं यहाँ पर पढ़ाई के लिए स्कूल में कॉलेज में, जिससे कि ये बेहतर नागरिक बन सकें, उनके पास यहाँ पर घर न होने के कारण छात्रावास ही उनके लिए सहारा है। और सरकार की योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों का, पिछड़े वर्ग के छात्रावासों का विशेष महत्व है। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार ने यदि छात्रावास नहीं है और किराए में भी यदि कोई छात्र या छात्रा रहता है तो उनको भी 1,000 रुपये हर महीने किराया देने का भी प्रावधान, साल भर में 12,000 रुपया की भी योजना, मुझे याद है जब मैं कैबिनेट में था तो इस प्रकार से एक योजना को मंजूर किया था कि यदि हम छात्रावास नहीं है हमारे पास पर्याप्त और छात्र ज़्यादा हैं तो वो कहीं भी किराए में रहेंगे तो किराया उनको नहीं देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश सरकार वो किराया देने का काम करेगी। 9 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन गई है, 1 करोड़ रुपये बाउंड्री वॉल और अन्य कार्यों में खर्च होने वाला है। 10 करोड़ का ये बिल्डिंग 310 बच्चियों के लिए है जो अनुसूचित जाति की होगी, जिसमें स्कूल में जाने वाली बच्चियां भी रहेंगी और कॉलेज में जाने वाली बच्चियां भी रहेंगी। एक बहुत बड़ी डिमांड थी और बड़ी बड़ी मांग पूरी हुई है। इससे अब जितने भी हॉस्टल चल रहे हैं 25 पूरे शहर में, इसके बन जाने से अब सारे हॉस्टल में बच्चियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी। कितने मंजिल की ये बिल्डिंग बनाई गई है? ये 6 मंजिल की है। लिफ्ट का भी संचालन होगा इसमें? लिफ्ट भी लगी है, क्योंकि 6 मंजिल में ना तो बच्चियां ऊपर नीचे चढ़ सकती हैं ना अधीक्षिकाएँ, इसलिए इसमें लिफ्ट का प्रोविज़न शुरू से रखा गया था। और DMF से इसको ऐसे बहुत से छात्रावास है जो प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं। हाँ, अभी यदि शासकीय पूरे हो जाएंगे तो प्राइवेट में नहीं चलेंगे, जब तक पूरे नहीं होते हैं तो प्राइवेट को भी चलाने का सरकार ने प्रावधान किया है। 1,000 रुपये प्रति छात्र या छात्रा सरकार किराया देती है बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल में रहने की।